वेलकम बैक टू माई चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर 3 जो कि है मनी एंड क्रेडिट फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स बुक क्लास 10। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, मनी एंड क्रेडिट। पहला टॉपिक क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है हमारा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम लोग, जब ये मनी नहीं था, पैसे नहीं थे, तो हम लोग किस तरीके से क्या काम करते थे जिससे हम लोग एक्सचेंज सामान एक्सचेंज कर सके, सामानों को खरीद सके। सो बहुत, मतलब हमेशा से ये मनी तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। चाहे हम एकदम अर्ली सिविलाइजेशंस का बात कर ले, तो अर्ली सिविलाइजेशंस में उन लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वो लोग बार्टर सिस्टम से काम कर चलाते थे। लाइक बार्टर सिस्टम के लिए भी उन लोगों के पास एक परफेक्ट वेट हुआ करता था कि इतना वेट का होगा उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम करेंगे। लेकिन वेट या बार्टर सिस्टम से आप मनी का तो ये नहीं लगा सकते, मनी की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कमी को तो पूरा नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन ये है कि अब 1 किलो सोना का दाम और 1 किलो चावल का दाम आप एक नहीं कर सकते, सिर्फ तौल वजन में एक है इस वजह से। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा परेशानी लाता था। हम लोगों के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज में ही है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा अजीब था। लाइक आपको अगर कुछ चाहिए तो सामने वाले को आपको देना पड़ेगा कुछ जो उसको चाहिए होगा, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पर हो जाता है। जैसे एज अ सिचुएशन कि अगर आपको चावल खरीदना है एंड चावल खरीदने के लिए आप कहीं जा रहे हो, तो चावल आपको मार्केट में नहीं, चावल आपको वैसे इंसान के पास मिलेगा जिसके पास चावल है, एंड उस इंसान को भी ऐसा कुछ चाहिए होना चाहिए जो आपके पास हो। लाइक आपको चावल चाहिए और सामने वाले को जूते चाहिए, तो आपको जूते बेचने पड़ेंगे, सामने वाले को चावल बेचना पड़ेगा, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको चाहिए वो सामने वाले के पास हो ही और जो चीज सामने वाले को चाहिए वो आप ही आपके पास हो ही, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्या कर सकते थे यहाँ पर कि मनी एज अ मॉडर्न या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को इसलिए रखा गया क्योंकि कोई भी चीज हम पैसे देकर खरीद सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हमेशा रहे, सबके साथ रहे। लाइक हमको जो चाहिए वो आपको भी चाहिए होगा, मतलब आप बेचने को तैयार हो और आपको जो चाहिए वो मुझे खरीदना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो इसके जगह पर हम क्या कर सकते थे, हम पैसे यूज कर सकते थे। लाइक पैसे, तो पैसे हो जाएगा तो इतना इतना किसी किसी चीज का वैल्यू रख दिया हम लोगों ने कि सोना का वैल्यू इतना है, कपड़े का वैल्यू इतना है, एंड ऑल ब्ला ब्ला, हर एक चीज का हम लोग वैल्यू रख दिए। तो अब उसके हिसाब से हम लोग वो सारे के सारे पैसे दे सकते थे, सोना या खरीदने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट वॉज वेरी मच लाइक इजियर, इट मेड द वर्क इजियर देन बिफोर। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर, सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि हम लोग जूते खरीद सकते हैं पैसे देकर, सामान खरीद सकते हैं, आटा चावल दाल कुछ भी खरीद सकते हैं हम लोग पैसे देकर, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए पैसे। अब अगर बात करें हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी को ऑनलाइन ई बैंकिंग कहते हैं या गूगल पे या फोन पे से रिलेट करते हैं कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, बट नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अपने मतलब क्लास के बच्चों के आंसर शीट्स में ऐसे ऐसे आंसर्स देखे हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी अगर पूछा गया तो उन लोगों ने लिखा इंटरनेट बैंकिंग एंड गूगल पे एंड फोन पे आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बट या काइंड ऑफ सही है, बट नहीं, यहाँ पर हमारे बुक में ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में या मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का अगर हम लोग बात करें तो सारा का सारा, चाहे वो करेंसी है, चाहे हम डिपॉजिट करते हैं या चेक्स के जरिए हम निकालते हैं, ई बैंकिंग करते हैं, ई बैंकिंग भी आता है, मैं ये नहीं कहती कि ई बैंकिंग नहीं आता, बट हमारे बुक में ये नहीं है। सो वी ऑलवेज हैव टू राइट द कॉन्टेंट्स फ्रॉम आर बुक्स एंड देन वी कैन ऑल्सो एड आर ओन नॉलेज, बट द होल नॉलेज दैट वी हैव वी कैन नॉट राइट दैट इन आर आंसर शीट्स। दैट्स व्हाई ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है चेक करना कि लाइक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप करेंसी छोड़कर डिपॉजिट विद बैंक्स या फिर चेक चेकबुक्स या जो भी है सारा हम लोगों का, ये सारा छोड़कर
हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं क्या कि गूगल पे एंड इंटरनेट बैंकिंग ये नहीं कर सकते हम लोग सीधा सीधी. सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहला आता है करेंसी. करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी. करेंसी में आता है हमारा पेपर नोट्स और कॉइन. अब पेपर नोट्स और कॉइन ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, क्योंकि पहले जो कॉइन्स यूज हुआ करते थे वो सारे स्वर्ण मुद्राएं, जो आप लोगों ने सुनी होगी कहीं पर, सोने के कॉइन्स होते थे या सिल्वर कॉइन्स होते थे, उनका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता था. लाइक फॉर अ वन रुपी थिंग इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. सोने का कॉइन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक चॉकलेट खरीदने के लिए. आप इमेजिन कर सकते हो क्या सिचुएशन रहा होगा, क्या दौर रहा होगा वो, जहां पर आपको एक चॉकलेट खरीदना है या एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है एंड यू आर गिविंग कॉइन गोल्ड कॉइन. सो कितना मतलब बहुत ही कम वैल्यू हो गया था, गोल्ड का वैल्यू बहुत ही कम हुआ करता था उस समय. बट अभी का अगर हम लोग बात करें तो इट्स वे मोर हायर देन बिफोर. तो मेटल्स, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और एंड अनलाइक ग्रेन एंड केटल दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज. ना ही हम लोग ग्रेन एंड केटल्स का होता है, लाइक एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में ग्रेन्स या केटल्स एक्सचेंज कर देते थे. ना ही कोई सोना चांदी या किसी और चीज का बना हुआ रहता है हमारा मनी. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. एग्जैक्टली, अगर हम लोग बात करें सोने का, सोने के कॉइन्स का, अगर सोने के कॉइन्स का अगर बात करें तो सोने का कॉइन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट जो हम लोगों का अभी के जो नोट्स हैं, जैसे पेपर नोट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको खर्च ना करो. जब तक आपके पॉकेट में है वो चीज, लाइक मनी, पैसे आपके पॉकेट में है, तब तक उसको कोई वैल्यू नहीं है. मतलब है, कागज का टुकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा. बट जब आप उसको यूज करते हो, जब आप उसको किसी चीज को खरीदने में यूज करते हो, तब आता है उसका परफेक्ट वैल्यू. तब होती है उसकी वैल्यू कि हाँ पैसे है, मैं खर्च कर रही हूँ. जब खर्च कर रही हो तब आएगा उसका वैल्यू. अदर देन दैट इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड नथिंग एल्स. तो यहाँ क्या है देन, वाई इज इट एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो अगर कोई वैल्यू नहीं है पेपर का, अगर कोई वैल्यू नहीं है वो कॉइन का, उस सिक्के का अगर कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है. सो अगर ये क्वेश्चन वन मार्क्स वाले में आता है कि व्हाई डू वी एक्सेप्ट कॉइन्स और पेपर नोट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो द आंसर वुड बी बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड नोबडी एल्स. गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है. अब बाकी बहुत सारे तो चूरन नोट कहते हैं हम लोग ना, वो बच्चों के चिल्ड्रन बैंक वाले नोट्स होते हैं, वो सारे को हम लोग ऑथराइज क्यों नहीं रखते? नहीं रखते इस वजह से क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है. उसको कोई खरीदता, उसको कोई एक्सचेंज में क्यों नहीं लगाता? नहीं लगा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है. कोई भी ऐसे फेक नोट को हम लोग गवर्नमेंट ऑथराइज चलाकर नहीं चला सकते मार्केट में. So in India, the Reserve Bank of India issues currency note on the behalf of central government. ये भी एक marks वाला point वाला question है कि India में कौन है जो currency notes को like currency notes issue करते हैं? तो Reserve Bank of India किनके कहने पर, किनके behalf में? Central government के behalf में. ये सारा का सारा एक एक line वाला बहुत ज्यादा important हो जाता है. As per Indian law, no other individuals or organization is allowed to issue any other currency. So, यहाँ पर क्या है? Any currency. So, यहाँ क्या है कि Indian law के हिसाब से कोई भी ऐसे ही currency नहीं छाप सकता, पैसे नहीं छाप सकते कोई भी कहीं पर भी. और ये भी है, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be reused in settling transactions in India. So, जो सारा लीगलाइज है, जो पैसे लीगलाइज्ड है, उन्हीं को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं यूज कर सकते दूसरा. और इलीगल अगर होगा तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते. लाइक ऑब्वियसली ना, कोई डुप्लीकेट नोट नहीं खर्च करता, कोई डुप्लीकेट नोट नहीं लेता आपसे. आप अगर डुप्लीकेट नोट चला दोगे तो नहीं लेगा कोई भी. Hence the rupee is widely accepted in the medium of exchange. और इसी वजह से medium of exchange में हमारा पैसा को बहुत ही ज्यादा widely accept किया गया है. Deposit with bank. Deposits with bank में क्या है? Deposits with bank में है हम लोगों का, जो हम लोग पैसे जमा करते हैं banks में. Like for at the point of time people need only sometimes. अब देखो यहाँ पर हम लोग पैसे क्यों जमा करते हैं banks में. डिपॉजिट्स ऑफ बैंक में ये होता है ना कि हमारा पैसा सेफ रहता है. अब सारा का सारा पैसा अगर हम घर पे रख दें या वॉलेट पे रख दें, वॉलेट में ही रखे, अपना पूरा का पूरा सैलरी अपने वॉलेट पे लेकर घूम रहे हैं, घर पे रख कर रख दिए हैं पूरा का पूरा एकदम पैसा वैसा सारा का सारा,
तो क्या होगा इसमें ना कि ज्यादा खर्च भी होगा और चोरी होने का या खोने का डर रहता है। लाइक वॉलेट, वॉलेट अगर खो गया तो पूरा का पूरा करेंसी खो जाएगा। फिर तुम्हारा ये बहुत ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं, हाथ में पैसे होंगे तो खर्च होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बैंक में रखते हैं। बैंक में हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाता है डिपॉजिट पे, और हम लोग वहां पर रख भी सकते हैं, सेफ भी रहेगा हमारा पैसा, जल्दी खर्चा भी नहीं होगा, चोरी होने का भी डर नहीं है, डाका पड़ने का भी डर नहीं है, तो इस वजह से बैंक में रखते हैं। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है कि हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में पैसे, एंड देन हम लोगों को जब मन करे, जब 500,000 जो भी निकालना है, तो हम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट डीडी जिसको बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट स्लिप लिखे, भरे और फिर उनको दे दे बैंक वालों को, एंड बैंक बैंक विल गिव अस आवर मनी, द अमाउंट दैट वी हैव पुट ऑन देयर। तो बैंक हमें हमारा पैसा दे देगी जब भी हमें चाहिए होगा। सो इस वजह से हम बैंक में डालते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक में अगर डिपॉजिट करना है तो हमें अपना बैंक अकाउंट, खुद का बैंक अकाउंट चाहिए होगा, ताकि हम अपने नेम के अंडर में बैंक में डिपॉजिट कर सके। और बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं उन डिपॉजिट्स को, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, क्यों बैंक इंटरेस्ट हमें देती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें हमारे डिपॉजिट्स पे क्यों देती है, सो दैट हम और ज्यादा, हम हमें मन करे कि हम और ज्यादा, चलो और ज्यादा ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हमको। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो है एक्स्ट्रा मनी जो लाइक चॉकलेट बचा कर रखा है, सेव करके रखा है, एंड उसके ऊपर से आपकी मम्मी उस पर और कुछ कुछ चॉकलेट्स बचा बचा कर रख रही है आपके लिए, कि चलो जब वो देखेगा, जब वो अपना चॉकलेट निकाल कर खाना चाहेगा, देन ही विल सी दैट ओ कितना सारा चॉकलेट है, कितना ज्यादा मजा आएगा इसको खाने में। सो काइंड ऑफ उस तरीके का आप एग्जाम्पल या सिचुएशन सोच सकते हो। सो बैंक क्या करती है, हमें इंटरेस्ट देती है ताकि हम और ज्यादा ज्यादा पैसे जमा करें, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंक काम कैसे करते हैं, और उन पैसों से जो हम डिपॉजिट करते हैं उससे बैंक क्या काम करती है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ अ मनी एज वेन दे रिक्वायर, या एग्जैक्टली लोगों को जब जरूरत पड़ता है वो पैसे निकाल भी सकते हैं। और सिंस द मनी, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि हम अपने डिमांड के हिसाब से जब हमको मन करेगा, जब हमको हमें जरूरत होगी तब हम निकाल सकते हैं, इस वजह से इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करती है, और वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स के जरिए एक और फैसिलिटीज है यहाँ पर, चेक वाला हम लोगों का। चेक पेमेंट में क्या होता है, आप जस्ट अमाउंट लिख दो, नाम लिख दो जिसको आपको देना है, सिग्नेचर कर दो, डेट लिख दो, एंड योर वर्क इज डन। आपको कोई कैश नहीं निकालना पड़ेगा, आपको कोई बॉदरेशन नहीं लेना पड़ेगा इतना सारा कैश देने का किसी को। वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट बिजनेस, कि अगर बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारा कैश अगर किसी को देना है तो वो काम नहीं करना पड़ेगा हमें। हम इजीली चेक निकाल कर दे सकते हैं सामने वाले को, उसका सरदर्द, अब चेक को निकलवाते रहो, पैसे निकलवाते रहो, लेते रहो, तुम्हारी मर्जी। सो दिस हैपन्स चेक पेमेंट में। Thus we see that demand deposit share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash. Exactly, बिना पैसे use किए, बिना cash use किए हम लोग सीधा सीधी check payment करके हम लोग अपना पैसा किसी को भी transfer कर सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा easy हो जाता है ना, पैसे निकालने का झंझट हुआ ना, कोई और cash वैश खोने का डर रहा। मैंने आपको चेक लेकर दिया, अब आपकी मर्जी, आप उस चेक से पैसा निकालो, आप उस चेक को जला दो, आप भुला दो, आपकी मर्जी। अब मैं आपके नाम पे एक्स्ट्रा और चेक वापस लिखकर नहीं दे रही। तो आपके पैसे आप अगर निकाल कर रख सकते हो, संभाल कर रख सकते हो अपने पास, तो रखो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी उसको खर्च करो। सो दिस हैपन्स। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब देखो, अगर लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक का अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर तो मैंने जितना भी पॉइंट्स लिखा है वो सारा का सारा बिना यहाँ देखे ही मैंने समझा दिया आप लोगों को। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में कैसे होता है, थिंक अबाउट द सिचुएशन। ऐसे सोचो कि आप हो डिपॉजिटर्स, अगर कोई सिबलिंग्स है आपके यहाँ पर, नहीं, मम्मी पापा और आप, ऐसे करके कंपेयर करते हैं। मम्मी पापा जो है वो है डिपॉजिटर्स, आप हो बोरोवर और मैं हूं बैंक। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, वो जमा करते हैं बैंक में। मम्मी पापा आकर मेरे पास जमा कर रहे हैं पैसे कि आप रखो पैसे हमारे, आप सेफ रखो। तो मेरा काम है यहाँ पर सेफ रखना, एंड आप क्या कर रहे हो, आप मुझसे बोरो करते हो पैसे फॉर लोन, एज अ लोन आप मुझसे बोरो कर रहे हो पैसे।
अब यहाँ पर ये तो हो गया, मम्मी पापा ने मेरे पास पैसे लाइक रखे और सेव किए और मैंने आपको दे दिया, आपको पैसे दे दिए, बट यहाँ पर मेरा क्या कमाई हुआ? आपके पैसे, जिन्होंने रखे हैं पैसे, उनको तो वापस उनको उनका पैसा देना ही पड़ेगा जब भी वो चाहेंगे। जो मांगने आ रहा है पैसा, जिसको लोन की जरूरत हो, उसे भी पैसा देना पड़ेगा जब उसको पैसे चाहिए होंगे। तो मेरा क्या फायदा है यहाँ पर? मेरा फायदा है आप लोगों से लिया हुआ इंटरेस्ट जो मैं बोरोवर्स से लेती हूँ। एज अ बैंक, अगर मैं बैंक हूं तो फिर बोरोवर्स से लिया हुआ जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है मेरा फायदा, वो है मेरा मुनाफा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। सो बोरोवर्स, सॉरी डिपॉजिटर्स क्या कहते हैं? हेयर लेट इट बी लाइक डिपॉजिटर्स एंड दिस साइड इज फॉर बोरोवर्स। सो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? वो पैसे जमा करते हैं, एज डिमांड डिपॉजिट है यहाँ पर, हम पैसे जमा करते हैं। पैसे जमा उन लोगों ने जब भी किया, तो पैसे जमा करने के बाद मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दूंगी सो दैट वो और ज्यादा ज्यादा पैसे जमा करें। और फिर यहां से आप लोग जब आओगे, बोरोवर्स जो है, बोरोवर्स जब आएंगे पैसे लेने के लिए, तो आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं लूंगी उससे, मतलब जितना इंटरेस्ट मैं इनको दे रही हूँ उतना इंटरेस्ट मैं आपसे नहीं लूंगी, आपसे डबल इंटरेस्ट लिया करूंगी, ज्यादा इंटरेस्ट लूंगी सो दैट मेरा फायदा हो। अब कुछ बच्चे, जब मैं पढ़ा रही थी क्लासरूम में, तब कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैम अगर अचानक से सारे के सारे बैंक वाले आ जाए, सारे के सारे लाइक पैसे मांगने आ जाए, तो बोरोवर्स जितने भी है, सॉरी डिपॉजिटर्स जितने भी है, वो लोग अपना पैसा मांगने आ जाए तो आप क्या करोगे? तो फिर बैंक क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन कभी होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा सिचुएशन तो कभी नहीं होगा कि सारे के सारे बोरोवर्स एक बार ही बैंक के पास आ जाए। अगर फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि दूसरे ब्रांच जो है, लाइक हमारे कोई भी लोकेलिटी, अगर आप कहीं पर भी रहते हो तो आपने देखा होगा कि बैंक के ब्रांचेस होते हैं, एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, चाहे वो हमारा बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, या कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं एक ही स्टेट में, एक ही टाउन में, एक ही सिटी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो अगर यहाँ पर खत्म हो गया, एक ब्रांच में खत्म हो गया, तो वो दूसरे ब्रांच से बोरो कर सकता है, दूसरे ब्रांच से पैसे मंगवा सकता है, पैसे ले सकता है, सो दैट ही कैन ट्रांसफर, सो दैट कोई भी जो बोरोअर है उसको वो दे सके पैसे। तो ये एक सिचुएशन, अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो ऐसा काम किया जा सकता है। जो बोरोअर्स है उनसे हम लोग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे लेते हैं ताकि हम लोगों का फायदा हो, एज अ बैंक का फायदा हो। तो ये है, उसके अलावा तो हम लोगों ने देखा ही। अब क्या है? अब अगला क्या है? अगला है हमारा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। देखो, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में हम लोगों का क्रेडिट सिचुएशन, लाइक लोन लेने के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से लोन लेने से कैसे कैसे हम लोगों के साथ लाइक कभी बहुत अच्छा भी होता है तो कभी बुरा भी होता है। सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन में है कि लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। तो बहुत ज्यादा, हर एक दिन भर के काम में हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और क्रेडिट इज लाइक इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी। लाइक क्या कह सकते हैं, एक अग्रीमेंट है जिसमें एक जो पैसे देने वाला है वो पैसे देता है फॉर बोरोअर्स को, पैसे देता है फॉर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक प्रोमिस लेता है कि आप फ्यूचर में आप वो सारा पैसा जो मैंने आपको दिया है वो आप मुझे लौटा दोगे। सो अब यहाँ पर हम लोगों को दो सिचुएशन देखने को मिलता है। एक फेस्टिव सिचुएशन है यहाँ पर, जिस जहां पर सलीम जो है, सलीम एज अ शू मेकर, सलीम शू मैन्युफैक्चरर है, और उसको उसका एक ट्रेड वाला सिचुएशन है, उसका एक लोन वाला सिचुएशन है, और स्वप्ना का लोन वाला सिचुएशन है। देखो कैसे क्रेडिट किसी को बना भी सकता है और किसी को बिगाड़ भी सकता है, दो सिचुएशन है यहाँ पर। सलीम एज अ शू ट्रेडर, वो क्या करता है, उसको 3000 पेयर्स के शू बनाने का लाइक ऑर्डर मिला है, फेस्टिव मंथ है तो उस, और उसको एक महीना टाइम मिला है कि उसको डिलीवर कर देना है, एक महीना टाइम में उसको 3000 पेयर ऑफ शूज डिलीवर कर देना है। तो सलीम कुछ काम करने वाले रखता है कि चलो 3000 शूज बनाने, अकेले तो नहीं बना सकता एक महीने में, तो रखता है अपने पास वर्कर्स रखता है ताकि वो काम कर सके, लाइक स्टिचिंग का काम कर सके, पेस्टिंग का काम कर सके, ये लोग सारे के सारे, और वो लोग फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं। और उससे भी पहले सलीम क्या करता है, सलीम एडवांस्ड में कुछ शूज का पैसे ले लेता है, 3000 है तो 1000 शूज के शू मेकिंग का पैसा वो पहले ही ले लेता है इन एडवांस टू मीट हिज एक्सपेंसिव
एक्सपेंसेस, सलीम क्या करता है, दो तरीके से शूज लोन लेता है. पहला क्या करता है, वो लेदर सप्लायर को जो लेदर सप्लायर है उसको सप्लाई करने के लिए बोलता है लेदर, और बोलता है मैं आपको बाद में जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा. दूसरा वो कैश ले लेता है एडवांस पेमेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एडवांस पेमेंट में ले लेता है 1000 रुपए का एज अ कैश ले लेता है, ताकि उसके जो एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे उसके पूरे हो जाए, और एंड ऑफ द मंथ वो 3000 शूज बनाकर वो दे देता है. सो इससे क्या होता है, उसको सारा का सारा पेमेंट भी मिल गया, 1000 शूज का पहले ही उसने पेमेंट ले लिया था, 2000 शूज के और पेमेंट ले लिए, और जो लेदर वाले को था उसको भी दे दिया, एंड वर्कर्स थे जो उनको भी पैसे दे दिया. तो यहाँ पर उसका सिचुएशन और अच्छा हुआ, बुरा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ. In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. तो उसने सलीम ने लिया working capital needs के लिए, उसने credit ले लिया. तो इसका इससे उसको फायदा हुआ, expenses, ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. तो credit क्या किया यहाँ पर, एक बहुत ही vital, बहुत ही important role play किया इस situation में. लेकिन वही अगर हम लोग बात करें स्वप्ना का, स्वप्ना की सिचुएशन का अगर हम लोग बात करें, तो स्वप्ना क्या है, स्वप्ना एक बहुत ही छोटी स्मॉल फार्मर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 एकड़ जमीन है, और 3 एकड़ जमीन में उसने मनी लेंडर से लोन लिया. देखो इसने बैंक से लोन नहीं लिया, पहले वाले सिचुएशन में भी किसी ने बैंक से लोन नहीं लिया था, उसने शू मेकर्स से पैसे लिए, मतलब शू का ऑर्डर जिसने दिया था उससे पैसे लिए 1000 रुपए, और फिर उसने क्या किया, उसने फिर कैश लाइक लेदर ले लिया एडवांस में, ऐसे बिना पेमेंट करके लेदर ले लिया, प्रॉमिस करके कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा जब मेरा शूज बिक जाएगा उसके बाद. बट स्वप्ना यहाँ पर क्या करिए, स्वप्ना मनी लेंडर से पैसे लेती है ताकि वो अपने खेतों में लाइक फसल बो सके. सो मनी लेंडर से पैसे लेती है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को लाइक कल्टीवेशन के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको पूरा कर सके, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रिपे अ लोन. ऑब्वियसली जब भी हम लोन लेते हैं तब हम लोगों को लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं अपना लोन वापस कर पाऊंगा, लोन मैं दे दूंगी. तो लेकिन क्रॉप क्या हुआ, एकदम बीच में ही उसका क्रॉप्स जो है उसमें कीड़े लग गए, उसके क्रॉप्स पूरे के पूरे बर्बाद हो गए. ऑल दो उसने बहुत ही एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स भी लगाए थे उसमें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका क्रॉप्स पूरा का पूरा बर्बाद हो गया. अब उसके पास कोई पैसे नहीं है क्योंकि उसका क्रॉप्स ही नहीं होगा, तो वो बेच नहीं पाई, बर्बाद हो गया उसका क्रॉप्स, वो बेच नहीं पाई. तो अब मनी लेंडर को वो किस तरीके से पैसे देगी, लाइक बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में वो डूब गई. उसके अलावा क्या हुआ, अगले साल फिर से एक साल उसका कोई कमाई नहीं हुआ. यहाँ पर सिचुएशन देखो इतना बुरा हो गया स्वप्ना का, एक साल उसका कोई कमाई ही नहीं हुआ, लाइक उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए, उसको कोई कमाई नहीं हुआ, मनी लेंडर से पैसे लिया था उसने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है, जितना मूल है उसके साथ साथ सूद भी जुड़ रहा है. तो ये भी ध्यान रखना कि मूल और सूद दोनों के दोनों लगता है. तो सूद इज लाइक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है हमारे मेन जो पैसे हैं उसके साथ. यहाँ पर स्वप्ना का सिचुएशन इतना बुरा हो गया कि एक बार का तो वो मनी पैसा जो मतलब मेन पैसा है वो, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है वो, दोनों के दोनों ही नहीं चुका पाई थी. अगले साल फिर उसको लोन लेना पड़ा, अब फिर से उसने लोन लिया और फिर उसने क्रॉप उगाया, अब बेचकर उसको यहाँ पर पिछला वाला लोन भी चुकाना है, इस बार वाला लोन भी चुकाना है. अब क्या करे, तो बहुत ही ज्यादा बुरे सिचुएशन में स्वप्ना को क्या करना पड़ा, अपने जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा. यहाँ पर स्वप्ना का हालत बद से बदतर हो गया, बुरा हो गया, यहाँ पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ लोन से. तो लोन दो तरीके से काम करता है, एक आपका सिचुएशन अच्छा बना सकता है, दूसरा सिचुएशन खराब भी कर सकता है. इस तरीके से स्वप्ना का सिचुएशन खराब हो गया, स्वप्ना का प्रॉब्लम. तो यहाँ पर एक हम लोगों को दे दिया, क्रेडिट इन दिस केस पर पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. तो अगले बार ये जो टर्म टू का हम लोग बात कर रहे हैं, टर्म वन तो हो गया आप लोगों का, हो रहा है, चल रहा है, SSC का कंप्लीट हो गया. सो टर्म टू अगर आप बात करें टर्म टू का, तो टर्म टू में क्या होगा, टर्म टू में आप लोगों को शायद सब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव्स. तो सब्जेक्टिव्स के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है ये करना कि आप लोगों को ये केस स्टडीज पढ़ना होगा. SST इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो केस स्टडीज आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोन सिचुएशंस क्या क्या है. दो तरीके का सिचुएशंस हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर, जहां पर एक अच्छा भी होता है और दूसरा बर्बाद भी होता है. इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज earning and therefore the person is better off than before. Like एक सिचुएशन में क्रेडिट हेल्प कर रहा है अर्निंग बढ़ाने में, और
इंसान जो है वो और ज्यादा ज्यादा अच्छा कमा रहा है। दूसरे सिचुएशन में क्या है, क्रॉप फेलियर हो गया, क्रेडिट क्या करता है, इंसान को डेब्ट ट्रैप की तरफ धकेल देता है। टू रिपे हर लोन शी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। ये आज मैं यहीं तक रखती हूँ। इसके बाद वाले टॉपिक में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं बैंक से, और बहुत सारे यहाँ पर छोटे 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 स्टोरीज है। एक श्यामलाल का स्टोरी है, अरुण का स्टोरी है, रामा का स्टोरी है, बहुत सारे स्टोरीज। हम लोग स्टोरीज कंप्लीट करेंगे अगले टॉपिक, अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। अच्छे से एग्जाम्स तो मैं आप लोगों को पहले से ही वीडियोस दे रही हूँ टर्म टू के, मैं टर्म वन में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाई। सो टर्म टू के मैं पहले से ही वीडियो डाल रही हूँ। सो अच्छे से एग्जाम दो, अभी का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करो, एंड फॉर द वीडियोज देखते रहना, स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।